आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है फ्रेंड्स संडे, तो ये मेरा संडे का स्पेशल ब्लॉग है। टाइम हो गया है 1:15, 1:15 से मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है फ्रेंड्स। तो मेरे घर की क्लीनिंग वगैरह, मेरा नहाना धोना सब हो गया है। और इधर में ये देखिए, ये दोनों भी नहा धो के बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि आज संडे है तो ये छुट्टी बना रहे हैं फ्रेंड्स। और आज का संडे स्पेशल, लंच भी रेडी है। तो लंच में है कढ़ी चावल और मैंगो शेक। तो आ जाइए फ्रेंड्स फटाफट से टेस्टी टेस्टी लंच करने के लिए। और कढ़ी बनती है उस दिन, चावल जरूर बनते हैं फ्रेंड्स। तो आज का सारे दिन का रूटीन शेयर करूंगी, और संडे स्पेशल ब्लॉग है तो कुछ स्पेशल ही होने वाला है फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स लंच करते हैं, उसके बाद में धमाल मचाने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए व्लॉग में। तो आ जाइए फ्रेंड्स, खाना भी हमारा रेडी है। तो मैंने डाल लिया है खाना भी, कढ़ी चावल, और डाल लेते हैं ठंडा ठंडा मैंगो शेक। तो आज का लंच तो खाकर मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। किस किस का फेवरेट है बताइएगा कमेंट करके। तो आ जाइए फटाफट से। आइस डाल रखी थी इसमें, क्योंकि ठंडा ठंडा मैंगो शेक काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स दे देती हूँ बच्चों को, और मैं भी खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अनुषा ले जा रही है सबके लिए खाना, और चलते हैं, और मैं भी अपना ले जाती हूँ फ्रेंड्स। तो आप सब भी आ जाइए। और आयुष भी इधर डाइनिंग पे बैठ के खा रहा है, और टीवी ऑन कर रखा है इन लोगों ने। और ये देखें अनुषा नीचे बैठ के खा रही है। आ जाइए आप सब भी, खाना खा लीजिए। और संडे स्पेशल कढ़ी चावल तैयार है, तो खा लेते हैं खाना। और टेस्टी टेस्टी मैंगो शेक। तो फ्रेंड्स खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा खाना हो गया है, और खाना खा के मजा आ गया है फ्रेंड्स। फिनिश कर दिया है पूरी प्लेट। और इधर में अनुषा का भी खाना हो गया है। मजा आया खाने में? ये देखिए टीवी देखने में पागल हो रही है, तो इनको खाने का कैसे पता चलेगा। टीवी के साथ साथ वो खाना खाते जा रहे हैं, टीवी देखते रहते, बच्चों का तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बर्तन वगैरह साफ। दोपहर का लंच वगैरह होने के बाद में, और किचन की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में, अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। और अभी टाइम हो गया है शाम के 5:45 हैं, और चाय वगैरह सब हो गई है मेरी। और इधर में बच्चे भी सो के उठ गए हैं फ्रेंड्स, उठते के साथ में चल गया इनका टीवी। तो ये देखिए अनुषा डाइनिंग पे बैठी है, आयुष सोफे पे बैठा हुआ है। और किचन में इधर में मैंने दूध वगैरह भी गर्म कर लिया है। और खाने में मैं बनाऊंगी करेले की सब्जी, तो करेले निकाल लिए हैं मैंने। और बच्चों को सोने के बाद में फ्रेंड्स मैं कुछ बना रही थी, तो सॉरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया मैंने। और मैं बना रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि कल मेरे घर में 2 किलो दूध फट गया था, तो उसी की मैंने बनाई है टेस्टी वाली बर्फी। तो सॉरी फ्रेंड्स मैं शेयर नहीं की उस टाइम पे। और ये देखिए फ्रेंड्स टेस्टी टेस्टी बर्फी बनाई है मैंने। चलिए किचन में आ गई हूँ। बच्चे बाहर टीवी चला रखे हैं ना, तो फ्रेंड्स कॉपीराइट आने का डर होता है, सॉन्ग चला रखे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स अभी मैंने प्लेट में थाली में डाल के और इनको सेट होने के लिए रख दिया है बर्फी को, और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो अब इसको रख देती हूँ फ्रिज में, बाद में खाएंगे हम सब मिलके। और इधर में बच्चे कर रहे हैं इंजॉय, गाने चला के डांस वगैरह चल रहा है इनका। और अभी जैसे ही मैंने व्लॉग शुरू किया तो ये बैठ गए हैं शांति से, और इसको फ्रिज में रख देती हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं, हम भी अब डांस करेंगे।
गया है डांस भी, और मैंने सोचा चलो आज बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तो यहाँ पे टीवी में अनुषा ने गाने चला रखे थे तो मेरा भी मन कर गया चलो थोड़ा सा डांस करते, और मैंने और अनुषा ने डांस किया। बताइएगा कमेंट में। और घर के काम के साथ साथ फ्रेंड्स थोड़ी सी मस्ती भी होनी चाहिए, और आज संडे था तो मन की चलो बच्चों के साथ मस्ती करते हैं। और आ गई हूँ अब किचन में, अब कर लेते हैं अपना काम, और सब्जी भी बनानी है और बच्चों के लिए मुझे करने हैं मखाने फ्राई। तो ये मैं सुबह ही निकाल के रखी हुई थी, सुबह से अभी तक फ्राई नहीं किए फिर। तो चलिए मखाने फ्राई करते हैं और सब्जी बनाते हैं। और ये है सबकी फेवरेट, यानी कि आयुष भी बहुत शौक से खाता है करेले की सब्जी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से, और गर्मी भी लगी है, बालों को बांध के आती हूँ। तो फ्रेंड्स करेले काट भी लिए हैं मैंने, और इनमें नमक लगा के रख दिया है फ्रेंड्स। और इधर में प्याज और हरी मिर्ची भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। तो सब्जी की तैयारियां हो गई हैं, और इधर में मैंने मन की थोड़ी देर नमक लगा के रख देती हूँ, उससे पहले मैं कर लेती हूँ मखाने फ्राई। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मखाने फ्राई कर लेती हूँ, और यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है फ्रेंड्स। कढ़ाई गर्म होती है तब तक बाहर से उतार लेती हूँ कपड़े। चलिए कपड़े भी उतार लेती हूँ, बाहर का मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है फ्रेंड्स। हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, काफ़ी अच्छा लगा। पर हवा नहीं है बिल्कुल भी, हवा नहीं चल रही है आज, गर्मी हो रही है। तो कपड़े भी उतार लेती हूँ। तो फ्रेंड्स कपड़े भी उतार लिए हैं, तो फ्रेंड्स सारे कपड़े उतारने हैं और दरवाज़ा करते हैं फटाक से बंद, क्योंकि मच्छर घुस जाएंगे, बहुत तेज़ मच्छर हो रखे। कपड़े डाल देती हूँ रूम में। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ किचन में, कपड़े रूम में डाल दिए हैं, और कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। तो एक चम्मच भर के इसमें डाल देंगे हम देसी घी, ये देखिए देसी घी डाल देती हूँ, थोड़ा और डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स दो तीन चम्मच मैंने भर के डाल दी है देसी घी की, और डालेंगे हम मखाने और फ्राई करते हैं इनको। सारे एक साथ नहीं डालूंगी, क्योंकि जितना कढ़ाई में आएंगे उतने ही डाल के सारे भून के रख दूंगी मैं, क्योंकि फिर भुने हुए मखाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुबह जैसे बच्चों को दूध के साथ में दे दूँ तो खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फ्राई कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स सारे मखाने भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, और इनको ठंडा होने के लिए एक बड़ी परात में डाल दिया है, और जैसे ही ठंडे हो जाएंगे तो डिब्बे में भर दूंगी मैं। तो साफ डिब्बा भी ले लिया है मैंने, और अब बना लेते हैं फ्रेंड्स सब्जी। तो इसी कढ़ाई में मैं बना लेती हूँ सब्जी, तो गैस ऑन करते हैं और बनाते हैं फटाफट से सब्जी। तो फ्रेंड डाल देते हैं कढ़ाई में तेल, और मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ फ्रेंड सब्जी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डालूंगी, क्योंकि करेले की सब्जी में फ्रेंड्स पानी का यूज़ नहीं होता है, ऑयल में ही बनेगी। तो मैंने दो बड़े चम्मच तेल डाले हैं। तो फ्रेंड्स तेल गर्म होता है तब तक मैं लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ, और कूट लेते हैं इसको। तो फ्रेंड देखिए लहसुन का पेस्ट भी बन गया है, अब कढ़ाई में डालते हैं जीरा। तेल गर्म हो गया है तो फटाफट से बना लेते हैं फ्रेंड सब्जी को। देखिए हमारी करेले की सब्जी भी बनके रेडी हो गई है, और अब इसमें नींबू का रस डालना बाकी है, तो नींबू का रस डाल देते हैं। और इधर में आटा भी गूंद लिया है फ्रेंड्स रोटी बनाने के लिए, तो इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ पहले, फिर रोटी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए काट लिया है पूरा, एक नींबू का रस डालेंगे तो सब्जी में काफी अच्छा टेस्ट आता है नींबू का, डाल देते हैं रस। तो फ्रेंड डाल दिया है नींबू का रस भी, और अब रस को अच्छे से मिला देंगे, और डाल देती हूँ सब्जी को डोने में। डोना ले लिया है फ्रेंड्स, डोने में सब्जी को डाल देती हूँ। तो फ्रेंड सारी सब्जी को डोने में डाल दिया है, और कढ़ाई को डाल देती हूँ सिंक में, और बाद में साफ करेंगे खाना खाने के बाद में। सारे बर्तन मैं सिंक में डाल देती हूँ, और बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। हमारा सबका खाना पीना भी हो गया है, और मेरा भी किचन का सारा काम हो गया है। और इधर में देखिए मैंने दही भी जमा दिए फ्रेंड्स, खट्टा डाल दिया है, सुबह तक दही जम जाएगा। और अब मैं भी गो देती हूँ बादाम, तो सुबह बच्चों के लिए बादाम वाला दूध बनाऊंगी, हेल्दी हेल्दी दूध। तो भी गो देती हूँ बादाम, और ये देखिए फ्रेंड्स बादाम भी भिगो दिए हैं, और अब इसको मैं ढक के रख दूंगी, कुछ गिर ना जाए इसमें। तो ये देखिए मैंने ढक दिया है,
और अब चलते हैं। और टाइम हो गया है फ्रेंड्स, 10:30 बज गए हैं और किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। यहाँ हॉल में भी मैंने क्लीन कर दिया है, देखिए सोफ़ा कवर वगैरह अच्छे से झाड़ के भी छा दिए हैं। और ये सब कुछ रात को ही क्लीनिंग करके सोती हूँ फ्रेंड्स, कि सुबह उठो तो फैला हुआ नहीं मिलता है, तो ये मेरी आदत है, रोज़ ही मैं क्लीन करके सोती हूँ। और जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी फटे हुए दूध से, बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। सॉरी इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, मुझे इतना पता नहीं था कि इतनी टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स, पर बहुत ही टेस्टी बनी थी फटे हुए दूध से। तो क्या है ना कि वेस्ट में भी बेस्ट बनाने की कोशिश की और वो मेरी कोशिश सफल हो गई, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी थी फ्रेंड्स। बच्चों ने बड़े शौक से खाया है और इतनी ही बची है, और आप भी ऐसा कीजिएगा, फटे हुए दूध को फेंकिए मत। कुछ भी बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं हम इसका। तो मैंने बर्फ़ी ट्राई की है, रसगुल्ले तो मैंने कई बार बना चुकी हूँ, मैंने बर्फ़ी ट्राई की थी आज, तो बर्फ़ी भी बहुत ही अच्छी बनी थी फ्रेंड्स। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का दिन बहुत अच्छा था, संडे हमारा स्पेशल संडे बन गया था, और बच्चों के साथ मैंने खूब इंजॉय किया, खूब हमने डांस किया, मस्ती की। और सारे घर के काम के साथ साथ में फ्रेंड्स थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए बच्चों के साथ में, तो अच्छा लगता है, बच्चों को भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो आज मैंने बहुत मस्ती की और सारा दिन अच्छा रहा हमारा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स। आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, दिल से धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।